दोस्तों, किसी शायर ने भाई के लिए क्या खूब कहा है, उसकी मेरी बनती नहीं पर उसके बिना मेरी चलती नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश शर्मा आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे आज की हमारी कहानी का शीर्षक है भाई भाई का प्रेम। चलिए चलते हैं सीधे इस कहानी पर। एक घर में दो भाई रहते थे। छोटी उम्र में ही उनके माता और पिता की मृत्यु हो गई थी। इस भारी विपत्ति को सहते हुए वे अपने खेतों में बड़ी मेहनत से काम करते थे। कुछ वर्षों के बाद बड़े भाई की शादी हो गई और फिर दो बच्चों के साथ उसका चार लोगों का परिवार हो गया। चूंकि दूसरे बेटे की अभी शादी नहीं हुई थी, फिर भी उपज को दो हिस्से में बांट दिया जाता था। एक दिन जब छोटा भाई अपने खेत में काम कर रहा था तो उसे विचार आया कि यह सही नहीं है, हम बराबर में बंटवारा करें। मैं अकेला हूँ और मेरी जरूरत भी बहुत अधिक नहीं है। मेरे भाई का परिवार बड़ा है एवं उसकी जरूरत मेरे से अधिक है। अपने दिमाग में इसी विचार के साथ वह रात अपने यहाँ से अनाज का एक बोरा ले जाकर भाई के खेत में चुपचाप रखने लगा। इसी दौरान बड़े भाई ने भी सोचा कि यह सही नहीं है, हम हर चीज़ का बराबर बंटवारा करें। मेरे पास मेरा ध्यान रखने के लिए पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन मेरे भाई का तो कोई परिवार नहीं है, अतः भविष्य में उसकी कौन देखभाल करेगा, इसलिए मुझे उसे अधिक देना चाहिए। इस विचार के साथ वह हर दिन एक अनाज का बोरा लेता और अपने भाई के खेत में रख देता। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा, किंतु दोनों भाई हैरान थे कि उनका अनाज कम क्यों नहीं हो रहा। एक दिन एक दूसरे के खेत में जाते समय उनकी मुलाकात हो गई। तब उन्हें पता चला कि आखिर इतने समय से क्या हो रहा था। वे खुशी से एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, सच्चे मन से किए गए भलाई के काम में कभी अपना नुकसान नहीं होता है और भाई भाई का प्रेम हमेशा बना रहता है। दोस्तों, भाई कितना भी बुरा हो, उसके साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। भाई से हमेशा बना कर रखना चाहिए, क्योंकि विपत्ति में वही सहारा बनता है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है।